الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम सामीन के नाम, अल्लाह तबारक व ताला के फजलो इनायत से आज हम सूरह फलक जो है उसका तर्जमा और तफसीर करेंगे। सूरह फलक के अल्फाज पहले देखें और इसमें अफाल क्या इस्तेमाल हुए उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फेल इस्तेमाल हुआ कुल, आप फरमा दीजिए। कुल का क्या मतलब होता है? फरमाइए, कह दीजिए आप। तो ये कमर का सीगा होता है या कह तुम कह दो, आप कह दो। से आऊज पना लेता हूं मैं, ये जो मैं का तर्जमा आया है ये इस हमजा से आया है। आऊज औदु, मैं पना लेता हूं। आई सीक रिफ्यूज। वकबा, डूब गई वो। इट स्प्रेड्स। हसदा, हसद किया उसने। ही इनवाइज। इस तरह ये अल्फाज इसमें अफाल इस्तेमाल हुए हैं। कुल आप कह दीजिए, आऊद मैं पना लेता हूँ, वकबा डूब गई वो, असदा असद किया उसने। तो इन चीजों से हमें जो है अफाल का जो है वो मफहूम वाजे हुआ। अब हम आते हैं अस्मा की तरफ। तो अस्मा में देखें तो इसमें क्या क्या आता है। अल फलक, सुबह, नमुदार करने वाला। फलक सुबह के लिए भी आता है और किसी चीज को नमुदार करने के लिए भी आता है। डॉन। अच्छा, इसके बाद खला का, पैदा किया उसने। पैदा किया उसने, पैदा किया उसने, ही क्रिएटेड। गासिकिन, अंधेरी रात। ये खला का जो है ये फेल है, इसमें आ गया है, इसम में आ गया, ये फेल है। इसके साथ लिख लें, ये अफाल में आएगा और ये फेल है। पैदा किया उसने, ये गलती से यहां आ गया, ये अफाल में है। खला का, पैदा किया उसने। वासिकिन, अंधेरी रात, डार्कनेस। अनपातात, फूंकने वालियां। द ब्लोवर्स, ब्लोवर्स फूकने वालियां। इसके बाद है अल उकद। अल उकद किसको कहते हैं? गिरा को। गिठान लगाना, गिरा लगाना, उसके लिए अल उकद जो है वो इस्तेमाल होता है। द नॉट्स, हासिदिन, हसद करने वाला। ऊपर देखें किया था हसदा, हसद किया उसने। हासिदिन, हसद करने वाला, ये इसम है और वो क्या था? फेल था, इनवायर, द इनवायर। तो इस तरह ये अल्फाज और इनके तराजम हमने कर लिए। एक दफा फिर इनको अस्मा को हम देख लेते हैं। अल फलक, सुबह, नमुदार करने वाला। फला का, पैदा किया, ये फेल है। वासिकिन, अंधेरी रात। अन्नफातात, फूंकने वालियां। अल उकदी, गिरा। हासिदिन, हसद करने वाला। तो ये अल्फाज थे जिनके मानी हमने देखे। अब आते हैं हम सूरा की तरफ और सूरत का जो है वो क्या है, इसका सियाको सबाक और किस तरह इसको बयान किया गया है, इसका हम जो है वो मुताला करते हैं। तो ये सूरा जो है मदनी सूरा है, मदीना मुनवरा में जो है ये नाजिल हुई और इस एतबार से जो है वो मदनी सूरा के इनको कहते हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई। तो हिजरत के बाद जो सूरा नाजिल हुई उनको मदनी सूरा कहते हैं। और इस सूरा में जो है खास तौर पे सूरा इखलास जो था,
उसमें एक तौहीद और दीन की एहसास की हैसियत उस सूरा को हासिल है। इस वजह से अल्लाह ताला ने अपनी किताब का आगाज भी तौहीद से ही फरमाया, फिर इसका इत्माम भी इसी पर किया। गोया असलन कुरान की आखिरी सूरा सूरतुल इखलास हुई। इसके बाद दो सूरतें जो मुअव्वज़तैन हैं के नाम से मौसूफ हैं, इस खजाना तौहीद के पासबान और मुहाफिज की हैसियत से इसके साथ लगा दी गई, जिनमें इन तमाम आफतों से बंदों को अपने रब की पनाह मांगने की दुआ तलकीन फरमाई गई है, जो दरबाबे तौहीद के लिए मुजल्ला कदम हो सकती हैं। तौहीद के लिए इसे एहतमाम खास की जरूरत इस वजह से कि जैसा कि बताया गया कि तमाम दीन की बुनियाद जो है वो क्या है, तौहीद है। अगर बंदे का कदम तौहीद में उस्तवार रहे तो वो दीन पर उस्तवार रहता है। अगर वक्ती तौर पर उससे कोई लग्जिश सादिर हो गई तो असासे दीन से वाबस्ता होने के सबब से उम्मीद है कि उसकी इस्लाह की तौफीक मिलेगी और वो राय रास्त पर आ जाएगा। बरक्स उसके कि अगर दरे बाबे तौहीद उसको कोई जो है वो गुमराही पेश आ गई तो अंदेशा है कि वो हर कदम पर दीन से दूर ही रोता जाएगा और दर्जा ब दर्जा इतना दूर हो जाएगा कि उसके लिए दीन की तरफ बाजगश्त का कोई इम्कान ही बाकी नहीं रहेगा। इस तरह जो है तौहीद का जो है वो आगाज भी सूरह फातिहा तौहीद से हुआ, सूरह इखलास भी तौहीद से, उसके बाद ये जो सूरतें, तो इसकी वजह इस दुनिया में इंसान जिस इम्तिहान में भी डाला गया उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि मरते दम तक शैतान का मुकाबला करे और उसको शिकस्त दे। शैतान के मुकाबले में उसकी इसी फतहमंदी पर उसकी उखरवी फौज और फलाह का इनसार है। शैतान का खास दाव जिस पर उसने इंसान को शिकस्त देने की कसम खाई रखा रखी है, यही तौहीद है। इसने अल्लाह ताला को चैलेंज दे रखा है, वो इंसान की गात में बैठेगा और राह में बैठकर जो उसको तौहीद से हटाएगा। तो इस तरह जो है शैतान के इन जितने भी जो है उसके हथगंडे हैं उनसे बचने के लिए क्या जरूरी है कि इंसान जो अल्लाह तबारक व ताला की पनाह में आ जाए। इसी तरह इस तरीके को वाजे करने के लिए इन दोनों सूरतों में ये बात बताई गई कि शैतान जैसे शातिर दुश्मन के हमलों से अपने को महफूज रखने का वाहिद तरीक ये है कि इंसान सिर्फ अपने रब की पनाह ढूंढे, इसके सिवा कोई दूसरा उसके शातराना चालों और उनके जो है उनके अहमकाना जो है वो वारों से बचाने वाला नहीं। अगर इंसान इसके लिए हर लम्हा चौकन्ना रहेगा तो अंदेशा है कि वो शैतान से मार खा जाएगा और फिर उसके लिए उसके दाम से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें। जब अल्लाह की पनाह में दे देंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उससे महफूज रखेगा। दूसरी चीज ये बताई गई कि खुदा की वो क्या सिफात है जिनके वास्ते से बंदे को खुदा की वो पनाह हासिल होती है जो उसको शैतान के फितनों से बिल्कुल मामून कर देती है। ये चीज अल्लाह ताला ही के बताने की थी और ये उसका अपने बंदों पर अजीम एहसान है कि उसने इन दो सूरतों में अपनी जो है वो सिफात ही के जरिए से कायम होती है और ये उसी को मालूम है कि उसके बंदे अपने किस दुश्मन के मुकाबले के लिए अपने रब की किस सिफत पर जो है वो क्या है पनाह मांगे। ये चीज हर शख्स नहीं जान सकता और इसमें मामूली गलती भी इंसान की जद्दोजहद को बेअसर बना सकती है। तीसरी चीज इसमें यह बताई गई कि इंसान को गुमराह करने के मामले में शैतान की जद्दोजहद की रसाई कहाँ तक है और उसके सबसे ज्यादा मौसर अरबे क्या हैं। इससे मकसूद इंसान को उसके दुश्मन की ताकत का अंदाजा करा देना है ताकि वो उसकी कुव्वत से ना मरगूब हो और ना उससे बेपरवाह हो, बल्कि वो अच्छी तरह आगाह रहे कि दुश्मन किन रास्तों से उस पर वार कर सकता है और उसके मुकाबले के लिए अल्लाह ताला ने खुद उसे किन ताकतवर असले से मुसल्ला कर रखा है। इस तरह जो है वो इस सूरह में जो है वो पनाह मांगी गई है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल, आप कह दीजिए आऊदु, मैं पनाह मांगता हूं बिरब्बिल फलकी, फलक के रब की। फलक क्या है, सुबह को नमूदार करने वाला, यानी फलक क्या होगा, सुबह का वक्त, सुबह को निकालने वाला। तो मैं उस खुदा की पनाह मांगता हूं जो सुबह को जो है वो क्या निकालता है। फलक जो है
इसका तर्जमा सुबह भी है और फलक होता है फाड़ने वाले, क्योंकि ये अंधेरे को फाड़ के निकलता है इसलिए सुबह को फलक कहते हैं। सुबह क्योंकि ये शब को चाक करके निकलता है और उससे जो नमूदार हो जाता है, हर चीज किसी ना किसी चीज के अंदर से उसको चाक करके ही नमूदार होती है। गुटली से पौधा नमूदार होता है, दाने के फाड़ कर उसके अंदर से क्या है उसके अंदर से जो है पौधा निकलता है छोटा सा। जमीन को फाड़ कर नबातात उगती हैं पहाड़ों का, और इसी तरह मी चाक करके चश्मे और दरिया उबलते हैं। इसी तरह अंडे को फाड़ के बच्चा निकलता है, तो तमाम जिंदा मखलूकात वजूद पजीर होती हैं। इस लफ्ज़े फलक को इतना ये जो है वसी पैमाने में आ गया कि यानी उसकी पनाह मांगते हैं जो हर चीज को नमूदार करने वाला है, सुबह को भी और हर चीज को निकालने वाला, उसकी पनाह हम मांगते हैं। इसी तरह दूसरा क्या है, मिन शर्री मा खलक, हर उस चीज के शर से, मा खलक जो पैदा की उसने। तो ये इस मकसद का हवाला है कि जिसके लिए तमाम आलम के नमूदार होने वाले खुदावंद की दिहाई की तलकीन की गई, फरमाया कि उस अल्लाह ताला ने तमाम आलम को नमूदार किया, उसी की पनाह हुई की हुई चीजों के शर से पनाह उनके पैदा करने वाले ही से मांगो, किसी दूसरे से ना मांगो। कोई दूसरा उनके शर से पनाह इसी सूरत में दे सकता है कि जब वो उसके पैदा करने वाले से ज्यादा ताकतवर हो, और ये बात बिल्कुल खिलाफ अक्ल है कि कोई चीज खालिक का खालिक कायनात से ज्यादा कुदरत और इख्तियार वाली नहीं हो सकती। इसी वजह से खुदा की पैदा की हुई चीजों के शर से किसी गैर खुदा की पनाह ढूंढना सरासर जो है बेवकूफी है। या ये अमर मलहूज रहे कि चीजें जितनी भी हैं सब खुदा ही की पैदा की हुई है, खालिक उसके सिवा कोई और नहीं है। इसलिए जितनी चीजें हैं उनके शर से, जो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं उन सब के शर से जो है पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की हैं वो असलन मकसद खैर से पैदा की हैं, लेकिन वो जब चाहे उनको शर में तब्दील कर सकता है। बारिश इस दुनिया के लिए सरासर रहमत है, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है तो उसको अजाब भी बना देता है। इसी तरह खुद इंसान अपनी बेखबरी और सुए इस्तेमाल से एक चीज को असलन जो है वो क्या नाफे है मुजर बना लेता है। अशिया के इन बुरे पहलुओं से अपने आप को महफूज रखने के लिए सही तरीका यही है कि आदमी खुदा ही से इस्तेआज़ा करे, ना इन अशिया में से किसी चीज को मौसर बिजात समझकर उनकी दिहाई जो है वो देनी शुरू कर दे जिस तरह मुशरिक कौमें करती हैं, और ना खुदा के सिवा किसी और को जो है वो क्या है बुतों को और या किसी और को जो है उसका क्या है मलजा मान ले। खुदा की पकड़ से खुदा के सिवा कोई दूसरी रिहाई नहीं दे सकता। आफतों से अपने को बचाने के लिए जो जायज तदबीरें इंसान कर सकता है, मसलन किसी बीमारी में डॉक्टर से रुजू करता है, तो ये चीज उसके मुनाफी नहीं है, बशर्त ये कि वो ये अकीदा रखे कि तबीब हकीकी कौन है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इस तफसील से ये बात वाजे हो गई कि हर कलिमा शिर्क के बहुत से दरवाजों के बंद कर देने के लिए ये सूरा काफी है, और इससे जो है वो क्या है इंसान का जो है ईमान जो है वो पुख्ता हो जाता है। वमिन शर्री गासिकिन इदा वकब, और पनाह मांगता हूं मैं शर से, किसके शर से, गासिक। गासिक किसको कहते हैं, छा जाने वाले, यानी रात को कहते हैं जब शफक गायब हो जाने के बाद उसकी तारीकी बढ़ जाती है, उसे गासिक कहते हैं। और वकबा के माना तारीकी छा जाने जाने के हैं। तो आले लुगत ने गासिकन के माना चांद के भी लिखे हैं, और यहाँ इजा वकबा का करीना इशारा कर रहा है कि उससे मुराद रात ही है, इसलिए कि इसकी तारीकी जब बढ़ती है तो अपने दामन में आफतें लिए हुए होती है। रात की तारीकी जब बढ़ती है तो उसमें आफतें, ये टुकड़ा बेसाल है इस बात की कि इस दुनिया में शुरका वजूद मुस्तकिल बिजात नहीं है, के खालिक अलग अलग माने जाए और दोनों की दिहाई दी जाए, बल्कि जैसा बताया गया कि ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजों से ही मुताल्लुक रखती है, इस वजह से इससे बचने के लिए किसी गैर अल्लाह की नहीं बल्कि अल्लाह ही की पनाह ढूंढनी चाहिए। कुरान में ये बात जगह जगह बयान हुई है कि इस दुनिया की
बका के लिए जिस तरह दिन और उसकी रोशनी और हरारत जरूरी है, इसी तरह रात और उसकी खुनकी और सुकून बख्शी भी जरूरी है। फिर जाहिरी तजाद के बावजूद दुनिया की बका में इन दोनों के तवाफुक को तौहीद की दलील के तौर पर पेश किया गया। इसी रात के शर से पनाह मांगने की दुआ तलकीन की गई। गोया ये दर्स दिया गया कि रात की जो तारीकी है तमाम राहत के लिए नागुजीर है। इसी के जिलाल और आसार में से हर चीज भी है कि इसमें चोर, कातिल, दुश्मन, हशरात और हवाम निकलते हैं जिनसे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। शब के सुकून में इन गैर मतलूब चीजों की मुदाखलत से यह नतीजा निकालना तो बिल्कुल गलत होगा कि रात का खालिक कोई और है और इसके अंदर नमूदार होने वाली इन नाख्वानदा मेहमानों का खालिक कोई और। फिर दोनों की दिहाई पुकारी जाए, बल्कि सही और मुआफे के अक्ल और फितरत बात यही हो सकती है कि इन दोनों का खालिक एक ही है, इसी ने रात को सुकून बख्शा और वही है जिसने खलल अंदाज होने वाली आफतों से पनाह दे सकता है। यानी जिस तरह इनकी बरकतें खुदा ही के फैज से हैं, इसी तरह इसकी ज़हमतें भी उसी के इज़्ज़त से हैं। बस हर हाल में मर्जे जो है उसी को बनाना चाहिए। यही वो बात है जो याद रखनी चाहिए कि जिसकी तरफ जो है इशारा किया गया कि शिर्क वजूद की इस नौइयत को ना समझ सकने के सबब ही नादानों ने शर को भी मुस्तकिल हैसियत दे दी और फिर खैर और शर दोनों के लिए अलग अलग खालिक जो है मान लिए। आखिर में फरमाया वमिन शर नफ्फाताति फिल उकद के मादरी और महसूस आफत से पनाह मांगने के बाद ये रूहानी और अखलाकी आफतों से पनाह मांगने की तलकीन की गई है। नफ्फातात फिल उकद के माना गिरों पे फूंक मारने वालियों के हैं। अगरचे ये मुअन्नस है लेकिन इससे औरतों को मुराद लेना लाजिम नहीं। अरबियत के कायदे से आप इस अरवाह खबीसा और नफूस खबीसा इससे मुराद लिया गया। खबीस रूहें आम इससे वो मर्द हों या औरतें और कता नजर इसके किसका इशारा यहूद और मजूस की तरफ हो या अरब के सायरों और काहनों की तरफ हो। गिरों में फूंक मारने का ये तरीका ये क्या होता है टूने टोटके और गंडे का अमल करने वाले इख्तियार करते हैं। वो धागे या तांत पर अपने तसव्वुर के मुताबिक कुछ पढ़कर फूंकते और गिरा लगाते हैं और उनके जहम के मुताबिक उनका मामूल इसी तरह उनके दाम में असीर हो जाता है और फिर वो उसके जो अजियत पहुंचाना चाहते हैं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिफत से उनका जिक्र करने से मकसूद उनके बगल की तस्वीर खींचना है। ये इसी तरह की तस्वीर है जैसी सूरह शोरा में कहनों के मुराकबे की तस्वीर है कि वो क्या युल्कून समा वाक्सरहुम कादिबून कि वो कान लगाकर बैठे और उनमें से अक्सर झूठे हैं के अल्फाज से खींची गई है। तो मकसूद क्या उसकी क्या लगवियत की तरफ इशारा है। रहा ये सवाल कि ये अमाल जो है ये सफलिया कुछ मौसर होते हैं या नहीं, तो इस सवाल के मुताबिक क्या है जैसे हारूत मारूत में जो है वो हो चुका कि उसमें भी बयान हुआ कि और शोरा में भी जो है सूरह शोरा में भी आया कि मैज डोंग और बगल है लेकिन इसके अंदर अगर कुछ हकीकत है भी तो कुरान में ये तस्री है कि ये मौसर बिजात नहीं बल्कि इससे किसी को जरर पहुंचाया जा सकता है तो अल्लाह ताला के इज़्ज़त ही से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए लोग डर जाते हैं कि फलां पढ़ के ये करेगा फलां पढ़ के ये फूकेगा। असल में जो हकीकी मुअस्सर है वो अल्लाह की जात है। लिहाजा जो है इंसान को जो अल्लाह की जात और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और वही इन चीजों के असर को खत्म करने वाला है। और इससे जो है क्या है वमा हुम बिदारीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज्निल्लाह ये तसव्वुर बस ज़हन में पक्का बैठ जाए कि क्या है और उसके जरिए से वो किसी को जरर पहुंचाने वाले नहीं बन सकते मगर अल्लाह के इज़्ज़त से। इसलिए अल्लाह की पनाह ले लें। लोग ये अल्लाह की पनाह लेने के बजाय बाकी रास्ते इख्तियार करते हैं जिससे उन्हें और ज्यादा फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। तो जब उनसे कोई जरर अल्लाह के इज़्ज़त ही से नहीं पहुंच सकता तो मालूम हुआ कि इस शर से बचने के लिए भी अल्लाह के सिवा किसी और की पनाह ढूंढने की हाजत बाकी नहीं रहती। अल्लाह की सुन्नत है कि लोग अपने जहन जिस तरह के बनाते हैं उनके साथ उसी तरह का मामला होता है।
एक शख्स अगर अपना ताल्लुक अपने रब से उस्तवार रखता है और ला ताइल जो है वो हाम से अपने आप को बचाता है, तो खुदा की याद से अपने दिल को आबाद रखता है, अगर कोई उस्ताद पेश आती है तो उसमें रहनुमाई और इस्तेआनत के लिए अपने रब ही की तरफ मुतवज्जे होता है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर शैतान को गलबा पाने नहीं देता। और अगर इत्तेफाक से उसको कोई छूत लगती भी है तो अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो उसके शर से उसको क्या बचा लेती है। तो इससे पता चला कि अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर ले। जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लेंगे तो इस तरह के लोग जो पढ़ के अमलियात करते हैं उनका कोई असर जो है उस आप पर नहीं होगा। ये उन पे होता है जिनके अकायद कमजोर हो या जिनके दिल कमजोर हो, जिनका ताल्लुक कमजोर हो। तो इसके बरक्स अगर कोई शख्स बिल्कुल मुनफ़िल मिजाज और वहमी होता है, अक्ल और बसीरत से काम लेने के बजाय वसवास में मुबतला रहता है, तो अल्लाह ताला पर मजबूत भरोसा रखने के बजाय अपने दिल के दरवाजे शुबहात और शकूक के लिए खोल देता है, तो इस तरह का आदमी बिलअमूम किसी शैतानी जिन इंस के हत्थे चढ़ जाता है। फिर वो उसको हर वादी में गर्दिश कराते हैं। इस गर्दिश से अपने को महफूज रखने का वाहिद तरीका इस सूरा ने यही बताया कि आदमी अपने आप को अपने रब की पनाह में रखे। जब कभी दिल में कोई भी जो है वो क्या उसको वसवसा आए, फौरन उसकी अमान तलब करे, जिसका बेहतरीन जरिया ये दोनों सूरतें हैं, मुअक्कबज़ातैन हैं, दोनों को पढ़े। अमीन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, इसका आखिरी पनाह जो है वो हासिद से मांगी गई है। ये आखिर में हासदों के शर के शर से बचने की दुआ सिखाई गई है। अगरचे लफ्ज हासिद यहाँ आम है और इसको आम ही रखना भी चाहिए, इसलिए कि जिस हासिद का हसद भी बहरानी शक्ल इख्तियार कर ले वो काबील के हसद की तरह हाबील को खून बहा कर ही उतरता है। इसी वजह से इससे पनाह मांगते रहना चाहिए। लेकिन सूरा की जो है वो तमहीद में वाजे हो चुका कि बनी आदम का सबसे बड़ा हासिद शैतान है और उसको खास कर जो है अकीदे तौहीद से जो है वो क्या फिरने वाला है। इस अकीदे से बरगश्ता करने की और अल्लाह तबारक व ताला पे तवक्कुल और ईमान को वो कमजोर करने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। तो ये सूरा जो है इसको जो है वो इंसान को इस एतबार से देखना चाहिए कि जो भी क्या वलवला हो, जो भी असबाब हो, जो भी वसाइल हो, शैतान जो है वो हर तरफ से इंसान को जो है वो हटाता है और अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब से उसको जो है वो दूर करता है। तो ये सूरा जो है वो अल्लाह की पनाह में जब वो अपने आप को दे देता है, सूरा ये दुआ सिखाती है, ये दुआया कलिमात है, इनको कसरत से इंसान पढ़े तो शैतान के इन सारी चीजों से क्या है बच जाता है। तो इस तरह जो है इस सूरा में हमने देखा कि जिन चीजों से पनाह मांगी गई, एक तो हर वो चीज जो क्या नमूदार होती है उससे पनाह मांगी गई, फिर दूसरा जो है इससे पनाह मांगी गई कि जब जो है वो अंधेरी रात जो है वो क्या है और अल्लाह ताला की हर मखलूक जो है उससे पनाह मांगी गई जो शर फैलाती है, फिर जो है गासिकिन इज़ा वक़्ब में जो है वो क्या है अंधेरी रात से पनाह मांगी गई, और इसी तरह नफा ताज जो है जो रूहानी तौर पर जो है वो अमलियात और जादू टूने वगैरह करती है उनसे पनाह मांगी गई, और आखिर में हसद से कि हासिद जो है वो क्या है इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उस हासिद से बचने के लिए जो है पनाह मांगी गई। इस तरह इस सूरा में तकरीबन जो है वो हर ऐसी चीज आ जाती है जिससे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, तो जब वो इसका विर्द रखे और इसको अपना वजीफा बना ले तो इन सब चीजों से जो अल्लाह तबारक व ताला उसको जो है बचाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमारा ये हमें इसको समझने और याद रखने की तौफीक अता फरमाए।